नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आरबीसी के द्वारा हाल ही में आरएस इंटरव्यूज़ का आयोजन यहाँ पे मुख्यालय पे करवाया गया है। उसके उपरांत यहाँ पे जो सफल अभ्यर्थी हैं इंटरव्यूज़ में, उनके रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। हालांकि रिजल्ट जो है इंटरव्यू के लास्ट दिन लेट नाइट को यहाँ पे जारी किए गए थे, जो कि 13/7/2021 यानी कि कल यहाँ पे इसके रिजल्ट जारी किए गए थे। तो इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये भर्ती है, कैंडिडेट डिक्लेयर द सक्सेसफुल रिटन एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान स्टेट सबोर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेन्स एग्जामिनेशन 2018 TSP और नॉन TSP एरियाज के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और इनका जो इंटरव्यूज़ दिया गया था उसमें फाइनली जो सिलेक्शन हुए हैं अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग, हालांकि जितने स्टूडेंट ने इंटरव्यूज़ दिया उसकी रैंक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। हालांकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, इसके बाद में यहाँ पे अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं TSP एरियाज़ के लिए जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं इंटरव्यूज के उपरांत, आप रोल नंबर, अपनी कैटेगरीज और अपने जो आपकी रैंक जो है वो चेक कर सकते हैं। पी का मतलब यहाँ पे सिंपली प्रोविजनल है। जिस टाइम में आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप किया था ऑनलाइन, तो उस टाइम में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही होगी, तो उस टाइम में आपने जो कमी छोड़ी है वो अब यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करें नॉन टी एस पी भी आपके रोल नंबर्स, आपकी कैटेगरीज और आपकी रैंक्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल अभ्यर्थी है कि अगर बात करें तो 2023 अभ्यर्थी इसमें सफल इंटरव्यूज़ के उपरांत यहाँ पे किए गए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल जो नॉन टीएसपी एरियाज़ के अभ्यर्थी हैं वो 1969 है, और टीएसपी एरियाज के जो विद्यार्थी थे वो 54 थे। तो इस प्रकार से 2000 से के लगभग अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। हालांकि इसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट निकाली जाएगी। पी का मतलब सिंपल, यहाँ पे प्रोविजनल है। रिजल्ट्स ऑफ द फ्लोइंग कैंडिडेट जो हैं, आपका डिसीजन जो है उसके कोर्ट में यहाँ पे रखा गया है। टोटल अभ्यर्थी इसमें 4 है, जिनकी रीट के तहत यहाँ पे इनके रिजल्ट जो है कोर्ट को सबमिट कर दिए गए हैं, वो यहाँ पे इसके रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। फाइनल जो कैटेगरी जो DC जो है, डिपार्टमेंटली कैटेगरीज कैंडिडेट जो हैं उनके भी डिसीजन जो है SP रीट के तहत राजेश कुमार अदर RPSC के अनदर उनकी भी यहाँ पे कंसिडरेशन में रखा गया है। तो ये अपने पास में RPSC के द्वारा आयोजित करवाई गई RS इंटरव्यूज़ के उपरांत जो सफल अभ्यर्थी हैं उसकी मेरिट का मार्क के अकॉर्डिंग लिस्ट यहाँ पे डाली गई है। हालांकि इसके रिजल्ट जो है कल यहाँ पे घोषित कर दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।